नमस्कार, न्यूज चैट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 12 बजे लेकर मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत वाराणसी से आ रही बड़ी खबर के साथ। सर्वे से पहले प्रशासन ने बैठक की है मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ। प्रशासन की अहम बैठक, मस्जिद कमेटी के साथ वकील भी मौजूद रहे। मीटिंग में शहर ए मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सर्वे से पहले प्रशासन ने ये अहम बैठक की है जिसमें मुस्लिम पक्ष के साथ प्रशासन ने बैठक की, क्योंकि कल जो वाराणसी के लोकल कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है उसका विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष लगातार नजर आ रहा है। परिसर में सर्वे को लेकर विरोध किया जा रहा है, कोर्ट कमिश्नर ना बदले जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। और बैठक के बाद डीएम कौशल राज शर्मा का बयान सामने आया है। कहा कल होगी सर्वे कमीशन की कार्रवाई। डीएम ने कहा बड़ी जानकारी, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है डीएम ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद डीएम कौशल राज का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें और कल सर्वे की कमीशन की कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। सुशांत, सर्वे से पहले प्रशासन की अहम बैठक, बैठक से जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, बैठक में दोनों ही पक्षों के लोग आए थे और मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ, पर वाराणसी के जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि कल सुबह 8 बजे से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि जो कमीशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कोर्ट कमिश्नर के साथ उनके जो सहायक कमिश्नर है मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों के पैरोकार मौजूद रहेंगे, वकील मौजूद रहेंगे और सभी के साथ सर्वे की जो प्रक्रिया है यानी कमीशन की जो प्रक्रिया है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। साथ ही वाराणसी के जिलाधिकारी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सभी को ये कहा है कि कोर्ट का आदेश है कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखे और वाराणसी में गंगा जल सभी जीत के लिए शहर जाना जाता है और सभी शांति व्यवस्था के साथ कमीशन को होने दें। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है? क्योंकि हमने देखा हाईकोर्ट भी पहुंचे याचिका दाखिल करने के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। देखिए, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब हमने माइक आईडी लगाई मुस्लिम पक्ष के लोगों को तो उन्होंने साफ ही हाथ फिराकर मना कर दिया कुछ बोलने से और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां चल दी है। वो सीधी सी बात है, वो अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनका या उनकी जो वकील है वो कल ही कह चुके हैं हम इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं और जब तक इस फैसले को अपर कोर्ट में चैलेंज करके कुछ नतीजा नहीं निकल सकता तब तक वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते। और यही तस्वीर आज भी दिखाई दी जब हमारी माइक आईडी उन तक पहुंची, उन्होंने सीधे ना कुछ भी कहने से मना कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत ज्यादा जानकारी के लिए। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे